बच्चे इंटेलिजेंट हैं, गरीब घर से हैं, मैं उनकी पूरी पढ़ाई बीटेक की, बीटेक फर्स्ट इयर किसी भी स्ट्रीम में ले, बीटेक फाइनल तक, हॉस्टल चार्जेस तक कोई एक रुपया किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करेंगे। 5-6 बच्चे ये मुझे हर साल किसी भी कोर्स में भेजना चाहें तो निःशुल्क उनको पूरी बीटेक की डिग्री कराई जाएगी। इसके अलावा कमीशन की, इसकी मिशन की तरफ से कोई मुझे आदेश होगा मैं उसको जरूर पूरा करूँगा। मेरा तो एक ही ये है कि हमारे समाज के अंदर टेक्निकल एजुकेशन आनी चाहिए। जब हमारा बच्चा टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करेगा तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। आज का एक मेन जो मुद्दा है वो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन एक्वायर करेगा, वो अपने आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और हम मुख्य धारा में आ जाएंगे, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। सेकंड एक निवेदन है कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारी रिजर्वेशन है कहने के तो 20 या 22% है, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 में 10% से ऊपर नहीं है। मैं 10 साल तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा, मैंने प्रयास किया वहाँ पर कि जो सीट्स वेकेंट पड़ी हुई थी वो किसी ना किसी तरीके से स्पेशल बैकलॉग निकाल कर पूरी की जा सके। हम उस तरफ अभी भी अनभिज्ञ हैं। प्रचार हमारा पूरे समाज के या बाहर ओपन मार्केट में ये होता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन के बेस पे नौकरी प्राप्त करते हैं, जबकि हकीकत ये है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, जितना वर्क जितना ईमानदारी से हमारा आदमी करेगा दूसरा नहीं करेगा, कि उसको पता है कि मेरी रोजी रोटी सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है। मैं यही पुनः निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दो, खासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन। सबसे ज़्यादा जॉब आज के दिन टेक्निकल एजुकेशन में है। जब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी, अपने आप ही मुख्य धारा में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं जितेंद्र भाई जी का, जिन्होंने जूरी जी का, जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है, और मैं और प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के आदमियों को इस धारा में ले। जय भीम।